को बात कर रहा हूँ, रुक जाओ। अरे नहीं 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 भाई नहीं, सुनो, अगर आपको दिक्कत है ना मेरी नौकरी से, तो मैं बोल रहा हूँ ना, 15 दिन का नोटिस पीरियड मैं दे देता हूँ। वो तो सबको पता है, ऑफिस में सबको पता है। सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ, ए, तो हुआ क्या पहले? और रिजाइन एक किस मिनट बात के लिए? रुको। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं। क्यों? यहाँ नहीं रहेंगे? सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, मस्त क्या है गाँव? गाँव कैसा, घर पे कैसा था? गाँव में कैसा लगता था तुमको? अच्छा लगता था ना? यहाँ पे नौकरी नहीं रहेगी, सब कुछ छोड़ देंगे, आराम से चलेंगे फर्स्ट क्लास गाँव में। ये घर को भी बेच देंगे, इसका ईएमआई भी पागल खत्म हो कर क्या? ये देंगे। हमारी मेहनत की कमाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टू ब्रॉक्स यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो ये शाम का टाइम हो गया है, ये चले गए हैं ऑफिस और मैं बना रही हूँ चाय। चाय बना ही चुकी हूँ क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था। चाय रखो, मेरा बहुत ही सर दर्द कर रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। वो पता नहीं क्या होता है ना, वो पी के आते हैं तो भी यहाँ बनवाते मेरे से ज़रूरत। इसके लिए मेरी पक्का डेली लड़ाई हो ही जाती है। जहाँ पर मैंने चाय बना दिया वहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ है। दिखाओ गाइस को, तो वहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ है। फैन भी रख देते हैं यार वो, क्योंकि ना खाते पीते जरूर रहते रहते हैं। तो बोले मैं पार्क में हूँ, फटाक से मैं मतलब लगभग पहुँच जाऊँगी। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोले कि मैं आ रहा हूँ, तो चलते हैं, आते ही होंगे। ये आपके लिए चाय, और क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। गुन, तब तक तुम पियो, तब तक वो भी आते रहेंगे। गुन, चाय बन गया, चाय बन गया। गुन, चलो लो चाय पी लो, भी आते ही होंगे। वो कैमरे में देखो आ गए, इधर दिखाओ। आ रही हूँ, चाय ठंडी ना हो जाए। खुला था दरवाजा? अरे नहीं यार, नहीं भाई साहब, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अरे मैंने बोला तो था नहीं। अरे भैया मैंने मेल कर दिया है, आप देख लो। अरे नहीं करनी है ऐसी नौकरी भाई। मैंने एक मिनट हो रुको, गया? बात कर रहा हूँ, रुक जाओ। अरे नहीं 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 भाई नहीं, चाय बना हाँ दीजिए। धुल लो, चाय ठंडी हो आ रहा हूँ आ जाएगी रहा क्योंकि हूँ, डेली की आदत आपकी नहीं है। आ रहा हूँ। गन नहीं, भैया देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको दिक्कत है ना मेरी नौकरी से, तो मैं बोल रहा हूँ ना, 15 दिन का नोटिस पीरियड मैं दे देता हूँ, 15 दिन के लिए रेजिग्नेशन दे देता हूँ। आप रिमाइंड नोटिस में रखो मुझे, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे क्या हो गया? ए नहीं भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं सुबह से पागल हूँ, मैं इतने दिनों से जो बोल रहा हूँ पागल हूँ। ठीक है, आप नहीं, आपकी बात ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं। गुन्नू देख रहा है यहाँ मैं से, नहीं कर जैसे क्यों सकता बात भाई, कर रहे मैं नहीं कर हो? सकता ऐसे। क्या हुआ? एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, मुझे आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं जा ही नहीं सकता ना ना ना, ना। मैं रिजाइन दे दूंगा, मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं आपकी। क्या? अगर आपको मेरे आने जाने में भी दिक्कत है तो क्या हो भाई, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, वो तो सबको पता है, ऑफिस में सबको पता है। सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ, ए, तो हुआ क्या पहले? और रिजाइन एक किस मिनट बात के लिए? रुको, एक मिनट। मैं देखिए मेरी बात सुनिए, देखो आप उनसे सर से बोल देना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसीलिए पहले, जब जैसे ही कोविड खत्म हुआ था ना, लॉकडाउन खत्म हुआ था, मैंने रिजाइन दे दिया था, मुझे पता था मेरे से नौकरी नहीं हो पाएगी। हाँ हुआ क्या? अरे यार रुक रिजाइन क्यों जाओ ना दे? एक मिनट, तुम एक मिनट म्यूट कर दे। एक तो सारा ये समस्या तो दूर होने दे पहले, तुम तो पहले अरे ये यार तुम आते एक ही मिनट रुक ना, जाओ, तो बस तुम बोल रहो ना, भड़क शांत रहो। चाय ठंडी हो हाँ जाएगी। मुंह हाथ धुल लूं हाँ कैसे? ऐसे तो चाय ठूस लूं? आप तो बोले जल्दी चाय बनाओ, हम आते हैं चाय एक पीते मिनट हैं। रुको, देखो भैया मेरी बात सुनो, मैं आप क्या कह रहा हूं आपको, 15 दिन के लिए नोटिस पीरियड पे रख दो मुझे, आप कोई और बंदा ढूंढ लेना। ठीक है, मैं भी रखता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है घर में, फालतू में मेरा बच्चा भी मैं आया हूँ तो उसको सही से प्यार न देखा हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, रखो। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं, क्यों? यहाँ नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, मस्त क्या है गाँव? गाँव कैसा, घर पे कैसा था? गाँव में कैसा लगता था तुमको? अच्छा लगता था ना? यहाँ पे नौकरी नहीं रहेगी, सब कुछ छोड़ देंगे, आराम से चलेंगे फर्स्ट क्लास गाँव में। ये घर को भी बेच देंगे, इसका ईएमआई भी पागल खत्म हो कर क्या? देंगे। ये हमारी मेहनत की कमाई है, मैं दिमाग मुंह मत खराब करो। घर बेचोगे? धुल के आ गए, ये क्या तब तरीका है? आ गए मुंह धुल के। ये देखो भाई गाइस, ये इनका दिमाग खराब है क्या? इतना मेहनत से सब कुछ हम लोगों ने किया भैया, इसी का तो मेरा सपना था, इसमें मेरा खून पसीना एक हुआ है,
और ये घर बेचने के लिए बोल रहे हैं और नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, क्या हो गया? किट्टो देखो, जहाँ पे ना, जहाँ पे आपको लगेगा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप, तुम्हें पता है मैं कितने साल से नौकरी कर रहा हूँ, कितने साल से नौकरी कर रहा हूँ, 2900 मतलब को कम से कम 12-15 साल हो गए नौकरी करते हुए एक ही कंपनी में। बट कोई सीनियर लेवल की नाम की चीज़ होती कि नहीं, सीनियरिटी नाम की चीज़ होती कि नहीं, कोई लेवल होता है बंदे का यार। मैं कोई चीज़ मना कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता है चीज़, तुम नहीं बोले नहीं करना है, करना करना नहीं यार, तुम रहने दो, नहीं जान दो बाबू, तुम मत सुनो पहले बाबू को, थोड़ा जानो बेटा गुन्नू, तो मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं बाबू ऑफिस नहीं लगी, तुम मुझे एकदम डंडा किया थी, नहीं जाओ तुम ऑफिस जाओ, जाओ तुम ऑफिस, मैं क्या बोलता हूँ, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे है, आज है कल नहीं रहेगा, हमारे बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा जब तुम नौकरी छोड़ोगे, बच्चा हो गया कल को बड़ा हो गया एडमिशन होगा, हमारी खर्चा इसके खर्चे कहाँ सब होगा, पहले कैसे खर्चे चलते थे, पहले बाबू नहीं था, बाबू पहले बाबू नहीं था, बस हम थे आप थे, हम वंदना थी, हम दोनों लोग जो भी खर्चा होता था हम दोनों मिलके करते थे, अब थोड़ी ना कि मिलके कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमको ही करना है। लेकिन मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, अब तुम बैग वैग पैक करो, अब हम लोग गांव जाएंगे, गांव में ही रहेंगे मम्मी पापा के साथ। यार मैं भी देखो 12 सालों तक घर से बाहर रहा, मतलब कि मम्मी पापा से दूर रहा, कोई वो नहीं, कोई प्यार नहीं मिल पाया उनका, हमेशा दूर रहा, अब मैं भी थोड़ा सा जाना चाहता हूँ, मैं बाबा के साथ रहूंगा, मैं ये नौकरी से मेरा यहाँ पे सबसे लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर सकता हूँ, झगड़ा मत करो, लेकिन नौकरी क्यों छोड़े भाई, मैंने मेल पे मेल कर रहे हैं, मैंने बोल दिया मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, नहीं कर सकता, बस बात करता हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है कि नौकरी छोड़ दोगे, कुछ बात होती है, कुछ पहले से कुछ बात हुआ होगा कि ऐसे कोई नौकरी छोड़ देता है, और मेन टाइम पे कोई नौकरी छोड़ता है, अब ये नहीं सोच रहे घर लिए हो, घर का लोन वगैरह सब कुछ भरना है, बच्चे बड़े हो, बच्चे बच्चा बड़ा होगा, ऊपर वाला देता है ना, जो पेट देता है रोटी भी वही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली ऐसे कैसे होगा बाबू, ऐसे थोड़ी ना डेली ऐसे कैसे, कि तो तुम क्यों, तुम्हारे पति के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, कल को मैं 10 नौकरियां खड़ा कर दूं, 10 बंदों को मैं नौकरी दे दूं यार। लेकिन बाबू सबसे अच्छा नौकरी था वो, वहाँ के जैसे अभी सब लोग आए थे बाबू, देखो बाबू के फंक्शन में आए, सब लोग कितना प्यार दिए, सब इतने अच्छे थे, फिर भी ऐसे क्यों बोल रहे हो? होता है यार, कुछ लोग कंपनी में होते हैं, ठीक है ना, मालिक की क्या बोलते हैं उसको, वो कान भरते हैं, कुछ लोग होते हैं कंपनी में। खर्चा कैसे चलेगा? अरे यार खर्चा कैसे चलेगा, अपने पास पैसे नहीं है, तो पैसे है तो कब तक वो पैसे चल, इतने पैसे कि हमको 1-2 साल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत हवा में उड़ो कि पैसे हैं 1-2 साल तक चलता रहेगा, चाय पियो ठंडा हो रहा है। नहीं नौकरी नहीं कर सकता, नहीं यार वो लोग शर्त रखते हैं, बोलते हैं अभी पता नहीं तुमको 7 से 10 दिल्ली बंद, मतलब 7 तारीख से रात में 8-9-10 दिल्ली बंद रहेगा, ऑफिस बंद रहेगा, बंद रहेगा नहीं बंद रहेगा, तब बोले नहीं काम करना है, जाना है जाना है जाना है, कहाँ जाना है, इसीलिए तो रिजाइन दे रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं तुम लोगों को छोड़ के ना, कहाँ जाना है बताओगे ना बाबू, मैं तुमको और बाबू को मतलब अपने बच्चे को अकेला कभी छोड़ सकता हूँ, मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती बोलते नहीं बाबू आप जाओ ऑफिस, जाओ ऑफिस जाओ, तो जाता हूँ मैं, अभी भेजते हैं क्योंकि जाने से कुछ खर्चे नहीं करते, ठीक है वो सारी बातें ठीक है, लेकिन 3 दिन बंद है तो मैं 3 दिन तुम लोगों के साथ एंजॉय करूंगा, रहूंगा घर पे तुम लोगों के साथ, नहीं बोल रहे नहीं तुम्हें जाना है, पूरी टीम जा रही, पूरी टीम जा रही है, पूरी टीम जा रही तो कहाँ जा रही है, मैं बोला ठीक है पूरी टीम जा रही है, कहाँ रही है, गोवा, गोवा के लिए कह रहे हैं सब, गोवा तो गोवा जाना है तो फिर गोवा जाओ ना, अरे तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं गोवा के जाके करूँ, अब मैंने ये भी बोला, कोई मैं बोला कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी फैमिली के खर्चे मैं उठा लूंगा, टिकट आने जाना मेरे बेटे का, मेरी किट्टो की, थोड़ा सा हम लोग एंजॉय कर लेंगे, ब्लॉगिंग भी बना लेंगे, ठीक है ना, एक ऑफिस का टूर भी हो जाएगा, ब्लॉगिंग भी हो जाएगा, कह रहे नहीं 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 सिर्फ 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 ऑफिस वाले जाएंगे, ऑफिस के कलीग जाएंगे, मतलब कि फैमिली मेंबर्स नहीं अलाउ नहीं है, तो ये क्या बोल सकते हैं, हमारा खर्चा हमारा पैसा तो ऐसे क्यों, नहीं तो बोले नहीं नहीं ये रूल है, मतलब सिर्फ ऑफिस वाले जाएंगे, जा रही है स्नेहा, जा रही है एकता, जा रही है बताओ नेहा, जा रही है बेटा 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 बेटा, तुम मेरी बातों के चक्कर में उसको ध्यान दो, तुम नहीं तो तुम ऐसे रिजाइन करोगे तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगा ना, तुम छोड़ रहे हो कि छोड़ रहे हो, तो मैं इन लड़कियों के साथ चला जाऊं गोवा, सबके ऑफिस वाली लड़कियों के साथ, विजय सर लोग सब लोग जा रहे हैं, नहीं मुझे भी ले चलो, तो मना कर रहे हैं ना, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो मैं रिजाइन दे रहा हूँ, भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, तो बोले अगर आप नहीं जाओगे फिर नौकरी पर आने के चांस है, वहाँ पे ले जा करके ना, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट के रेस्टोरेंट क्लब्स आ रहे हैं, तो हम लोग को विजिट कराएंगे, नए नए क्लब कैसे आ रहे हैं, कैसे क्या मार्केटिंग चल रहा है आज का, देश दुनिया की उसी तरीके की बातें होंगी वहाँ पे सब, नहीं ऐसा मत बोलो, तो मैं बात करती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं,
यार ऑफिस की बात, इसीलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ, बस तुम्हारे लोग की इन्हीं सब चक्करों के चक्कर में। तुम क्या बात करोगी ऑफिस में बताओ? मैं तो आपके तो इतना चिल्ला के नहीं, नहीं बोलती ना, 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 ना। मैंने बोल दिया मैं रिजाइन दे रहा हूँ। तुम गांव में चलो, गांव में रहना, एक खेत ले लेंगे और दो भैंस ले लेंगे। तुम भैंस का गोबर ओबर करना, उसी से कमाई करेंगे। लाइव देख रहे हो गाइस, ये कैसे कमेंट बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे, रिजाइन देंगे। बताइए हमारी ब्लॉग चलता रहता, शूट करवाती रहते। तो हम चाय बना रहे थे ना, तो मैं इसी टाइम तो दिख गया कि आपका क्या 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 नहीं बाबू, नौकरी नहीं छोड़ो प्लीज, ऐसे मत करो। बाबू गोवा जाने के लिए बोल रहे, तीन दिन मैं तुम लोग बगैर कैसे रहूंगा बताओ। और मैंने ये भी बोला कि भैया ठीक है, और भी लोग, और भी लोगों की फैमिली, सब अपनी अपनी फैमिली लेके जाए। बात सही कही हुई है? तुम मेरे बगैर कैसे एडजस्ट करोगी? सोएगा तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नौकरी नहीं छोड़ना। फिर मैं बस इन्हीं सब, मेरे को ना पता क्या, कोई मुझे कंट्रोल करे, मुझे कंट्रोल करके रखे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं ना बिल्कुल एकदम खुले मन से, खुले पंछी की तरह नौकरी करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बागे, अब मैंने बोल दिया भाई, मैंने इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया, मेल पे मेल आ रहा है। मैंने तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था कि मगर तुमको अभी आते हो तो गर्मा गर्मी होगी, तुम सुन ली बात। क्या तब सोच रहे हो? मुझे क्या सोचना है भाई, मैंने तो छोड़ दी, मैंने रिजाइन दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि अब बोलने नहीं जाऊंगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। दे दिया मेल, मेल करना है बस, लिख दिया मैंने मेल। तुम मेरे बगैर रह सकती हो? तब फिर बताओ, कैंसिल है बात, बस नौकरी खत्म, ये घर भी भूल ही जाओ, इसको बेच देंगे, चलेंगे गांव में रहेंगे। घर नहीं बेचने देंगे हम, अपने आप को बेच देंगे लेकिन घर नहीं बेचने देंगे। चलेंगे गांव में रहेंगे, गांव में भी तो जमीन है, घर है, वहां पे रहेंगे आराम से। नहीं ना, हम इतना सब कुछ करके यहाँ आए हैं और ये चीज बेच करके हम गांव में शिफ्ट हो, क्या हो गया? बेच देंगे, हमने बनाया हमने बेच देंगे, हमारे अब नहीं है बस में, नहीं देंगे। नौकरी छोड़ दो, फिर नौकरी मत छोड़ो। हाँ तो फिर जाने के लिए बोल रहे, फिर कैसे करेंगे? जाओ तुम गोवा, हम रह लेंगे। रह लोगी? यहाँ से सब्जी लेने जाते 10 बार फोन करती हो, रह लोगी तीन दिन मेरे बिना? पापा गोवा जा रहे हैं, चलो तुम हम लोग भी चलते हैं। तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है गोवा जाने के लिए? तो हम पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। किसने बोला गोवा जाने के लिए पासपोर्ट? जहाँ से जाओगे ना पासपोर्ट चाहिए। तब ये मुंह खोला कि कम से कम खिलाओगे, और तुम ये उसका मुंह एकदम दबा दिए, क्या करें फिर? अब तुम डिसाइड करो क्या करें। छोड़ के पापा नहीं जाएगा, पापा ड्यूटी भी नहीं जाएगा, अब नौकरी छोड़ देगा, पापा नहीं जाएगा, ऑफिस भी बंद, ये दिन भर बाबू के साथ मौज मस्ती। ऐसे मत करिए, खुश ओ ओ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा तुम्हारा लिपस्टिक पाउडर कम हो जाएगा, तुम्हारे ड्रेसेस कम हो जाएंगे, गोल्ड वोल्ड लेना कम कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा जितना जितना कमाएंगे उतना बचाएंगे, कम खर्चा करेंगे, और क्या। नहीं यार आप जाओ। क्या जाओ? जाओ आप गोवा। भैया मेरे बगैर तुम लोग रह थोड़ी नहीं पाओगे। अरे अब बाबू का दूध नहीं रहेगा, सब्जी नहीं रहेगा, कौन लेके आएगा? दुनिया में इतनी सारी लेडीज़ हैं, इतने सारे जे लोग हैं, तो सबके पति तो कमाने जाते हैं ना, तो सारी लेडीज़ घर पे अकेले कैसे हैंडल करती हैं? तुम्हें आदत नहीं है ना, बाकी क्यों आदत? आदत हो जाती है, तो अगर नौकरी चली जाएगी ना फिर हम लोग का खाना पीना हर चीज मुश्किल हो जाएगा। आप जाओ और आराम से जाना। मतलब मैं गोवा जाऊँ? हाँ आप जाओ, क्योंकि मैं अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम वंदना जी को बुला लेंगे, फिर हम चले जाएंगे वंदना जी के घर। आप चले, तुम्हें पता है ना गोवा का नाम सुनी, गोवा में क्या लोग एंजॉय करते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा हिसाब से रहिएगा, कुछ इधर उधर मत करिए, वहाँ पे लोग थोड़ा सा क्लोज क्लोज करके कपड़े पहनते हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। मैं तो अपना पैंट शर्ट पहनूंगा, लोग वैसा पहन के घूमेंगे बीच पे ऐसे ऐसे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अब इसी चीज सब परेशानी झेलनी पड़ेगी, बच्चा देखो परेशान कर रहा है, तो ये सब चीजें की हर लेडी से करती है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबू नौकरी छोड़ देता हूँ, तुम्हारे साथ घर पे रहूंगा, बाबू को संभालूंगा।
अगर एक बार नौकरी चली गई ना, फिर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जाओ, मैं देख लूंगी। और सही बात, कितने दिन का, 15 दिन की बात है ना? 15 दिन का नहीं, 3-4 दिन की बात है। अच्छा, 3-4 दिन? ओ, 3-4 दिन में कुछ नहीं होता है। आप ये मतलब जो अभी मीटिंग होगा ना अभी G20 का, उसके चक्कर में 3-4 दिन बंद रहेगा। तो वहाँ गोवा विजिट कराएंगे पूरे ऑफिस वालों का। गोवा में हम लोग नया नया जो भी प्रोजेक्ट है वो देखेंगे, किस तरीके का वहाँ पे क्लब रेस्टोरेंट्स काम करते हैं, किस हिसाब से वहाँ पे, उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग का। हाँ, तो जाओ ना, आप इतने साल से इसमें काम कर रहे हो, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से रहना और फोन पे फोन करते रहना, वीडियो कॉल। तो मैं थोड़ा सा वो हाफ पैंट वगैरह ले लूँ, बीच पे थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए। अब जा रहे हो तो कम से कम एंजॉय करके तो आओगे ना, जाओगे तो ऐसे मुंह दिखा उठा के थोड़ी ही चले आओ। अब मैं हर घड़ी आपको ऐसे देखती रहूंगी, कहती रहूंगी तो नहीं। बाबू, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है ना? विश्वास है तभी छोड़ रही हूँ। जाओ, 3 दिन के, 3 दिन में कोई कुछ नहीं हो जाता है। अब नौकरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो कैसे हम लोगों के लॉकडाउन का समय भूल गए क्या? लॉकडाउन में कैसे कैसे एक एक रुपया मुश्किल था। तो चीज अभी इस टाइम अगर जब एक नौकरी था, जो नौकरी के सहारे हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या करूँ फिर? नौकरी जो मैंने बोला था उनको कि छोड़ दूँ, छोड़ दिया, नहीं, क्या नहीं, छोड़ो मत, छोड़ो, रिजाइन, गलत हो जाएगा ना? मैं भी गुस्सा गुस्से में बोल देता हूँ कुछ भी ना। वो तो आप तो मेरा पूरा वो जानता है रिलेशन, कि आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हो फिर बाद में बहुत पछताते हो। क्या बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ यार? तो एक मेरा बेबी है, खर्चा कैसे चलेगा? दूध इतना महंगा हो गया, इसका 700-800 का दूध आता है। तो उसको नौकरी से कुछ तो पैसे आते हैं, जो हम लोग का खर्चा तो निकल जाता है। नौकरी छूट जाएगा तो फिर मिलेगा कितनी मुश्किल से? आपको भूल गए क्या कैसे कैसे नौकरी मिले हैं आपको, कितना मेहनत किए हो? वो चीज मत भूलो। आप जाओ, मन भी हो सकता है बहल सा है, लेकिन ये चीज मत करना। क्या ना करना? लोगों के ऊपर नजर मत डालना। और क्या, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? है, लेकिन क्या, हम तुम्हारे ऊपर नजर नहीं डालते, दूसरे ऊपर क्या नजर डालेंगे? गुन 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 गुन। गाइस, ये सबकी देखो आदत लगेगी 3-4 दिन। ये जब मुझे एक बार छोड़ करके गए थे परिवार को लेने के लिए, जब घर का भी प्रेस किए थे, पूरी रात ऐसे नहीं सोते थे, ऐसे जागते जागते थे। और फिर इसके बाद जब एक बार ये गए थे अपने फ्रेंड के शादी में, उस दिन भी सोनाक्षी को नहीं, पता नहीं क्यों हमको नींद नहीं आती इनके बिना, किसी भी हो जाता है नींद आता ही नहीं है। मैंने सोचा था कि गाइस नौकरी छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि फिर मैं इन लोग, इसको और बाबू को छोड़ के नहीं जा सक जाना चाहता था मैं। मतलब अंदर से बहुत इमोशनल हो गया था, इसलिए मैंने बोला कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा मैं एकदम बहस करते हुए आया, और किट्टो भी थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन किट्टो ने मेरा पूरा साथ दिया, वो तैयार हो गई मुझे गोवा भेजने के लिए। चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज, तो ये सारी चीज, तो ये सारी चीज, तो ये सारी चीजें प्रैंक थी। अब कर रहा था नौकरी, अभी नहीं छोड़ा। ऐसे कौन चिल्लाता है, ऐसे कौन बोलता है? ये भी डर गया एकदम। नहीं जा रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा था मैं। कुछ हट के करो, कुछ ऐसा करो। तो आज का जो प्रैंक था, आप लोगों को कैसा लगा ये प्रैंक? ऐसा था कि बहुत अच्छा प्रैंक था। देखिए, किसी को ना मैंने ज्यादा मेंटली टेंशन दिया, ना मैंने कोई हरास किया, मतलब एक बढ़िया हेल्दी कॉमेडी टाइप का एक प्रैंक हो गया। आई होप कि आप सब लोग भी बिल्कुल वो रहेंगे, यार अभी नौकरी छोड़ दिए, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन लास्ट में पूरे जज्बात सब कुछ बदल दिया मैंने। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये ब्लॉग, नौकरी अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं इसके साथ अगर इसको कुछ ज्यादा टेंशन हो जाता तो नहीं होता, मैं था ना, मैं तुम्हें भाग रहा था बस। तो गाइस, इन्हीं शब्दों के साथ ये वाला ब्लॉग, ये वाला प्रैंक वीडियो करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि ये प्रैंक आप सब लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रैंक हम लोग क्या लेकर के बनाए, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।